आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम देखेंगे एस्कॉर्ट का बूम स्प्रेयर, जिससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में नवाचार ला सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए देखें। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिविजन फार्मिंग लीडर में। हमारे किसान भाइयों को अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दें। सर, मेरा नाम विजय है। जी, मैं एस्कॉर्ट से हूँ। ये फार्म पावर हमारा इम्प्लीमेंट है। जी, तो सर, एस्कॉर्ट ने जो ये यंत्र बनाया है, ये क्या है? वो थोड़ा देखने में अलग लग रहा है जी, किसान भाइयों की समझ से थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन आप जो है इसे अच्छे से समझाएं कि ये क्या चीज़ है और क्या काम करेगा। सर, ये है केमिकल स्प्रेइंग। जैसे मान लो कपास, कॉटन वगैरह है आपका जी, तो फार्मर को काफ़ी टाइम लगता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, डीजल कैपेसिटी ज़्यादा लगती है। तो ये है बूम स्प्रेयर जी। ये 600 लीटर का इसका केमिकल टैंक है। ये 30 फीट एरिया कवर करेगा। अच्छा, मतलब 30 फीट एरिया, 30 फीट एरिया एक साथ लेके चलेगा। सर, 30 फीट एरिया। इसमें 20 नोजल्स हैं। अच्छा, हाँ जी। इसमें प्रेशर भी फार्मर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है कि हमारा केमिकल इतना स्प्रे होना चाहिए इसमें जी। वो भी सेटिंग सारी है। दूसरा, फार्मर को एक एरिया होता है कम ज़्यादा रो का जो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। हाँ जी, उसके लिए हमारा एडजस्टेबल एक्सल है। अच्छा, ये पहिए जो है घटाए बढ़ाए जा सकते हैं जी। दूसरा, ये हाइड्रोलिक पे है जी, चारों फोर व्हील ड्राइव में, फोर व्हील स्टेयरिंग में। पीछे आगे वाले टायर जो चल रहे हैं उनके पीछे ही पीछे वाले टायर चलेंगे, मतलब दो टायरों का मार्क आएगा नीचे। अच्छा, जो निशान आएगा वो दो टायरों का आएगा। जी। ये नहीं, फार्मर मतलब को नुकसान नहीं हो, वो जो मतलब टूट फूट ना हो, उसके पौधे ना कुछ ले जाएं या टूट ना जाए। हाँ जी, जी, वो चांसेस बहुत कम है। दूसरा, इसमें हमने हैंड वॉश टैंक लगाया है। अच्छा, ये ऑपरेटर के लिए, जैसे पानी वानी की थोड़ा वो पड़ता है, हाथ वाथ धोने के लिए हैंड वॉश टैंक है उसके लिए। अच्छा, मतलब ये अलग से लगाया, अलग से उसके लिए लगाया। हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ जी। दूसरा, ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा ये आपको, और इसमें 26 HP का इंजन है जी। 26 HP का इंजन है जी इसमें। और क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, उसके बारे में भी बताइए। दूसरा, जैसे नोजल है जी। जी ठीक। हाँ, ये बूम है, इसका डैमेज होने से ये सपोर्टिंग हमने, अच्छा ये हाँ गार्ड लगाए हैं। हाँ, गार्ड लगाइए, डैमेज ना हो। जी। और पीछे ऑपरेटर के लिए पानी भरने के लिए विंडो लगाइए जी। अच्छा, हाँ, अच्छा, विंडो खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरा, उसकी सेफ्टी के लिए, जैसे वो स्प्रे करता है ना तो केमिकल उसके ऑपरेटर के साइड में आएगा, उसके लिए हमने ये पर्दे लगाए। तो उसके लिए ये पर्दे लगा के ये बंद करा गया, मतलब उसे कोई नुकसान ना हो, ऑपरेटर की सेफ्टी या कोई उसके हानि ना हो। हाँ जी। तो सर, ये जो है कौन कौन सी हमारे फसल में जो है यूज हो सकता है और काम कर सकता है? सर, ये जैसे हमारा मतलब गन्ना हो गया जी, एक तो गन्ने में कर सकते हैं स्प्रेइंग, कम हाइट से लेके ज़्यादा हाइट तक। इसकी हाइट जाती है 5 से 5.5 से 6 फीट तक हाइट ऊपर चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा, कॉटन हो गया, कॉटन में भी हम इससे स्प्रेइंग कर सकते हैं। दूसरा आपका ये हो गया गेहूँ, आलू हो गया इसमें। अब जैसे कि आप, ये बहुत ही अच्छी मशीन है, हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, किसान भाइयों के लिए बहुत बहुत बेस्ट इम्प्लीमेंट निकाला गया है जी। दूसरा, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है, उनका टाइम पीरियड बच रहा है, डीजल कैपेसिटी बच रही है, एक दिन में 40-45 एकड़ निकाल देता है। हाँ, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ जी। तो सर, आपने ये इसके बारे में बताया और समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। साथियों, ये वीडियो आपने देखी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।